हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूं। अभी दोस्तों सुबह का समय है, सो डक्स को रिलीज करना होगा। दो दिनों से हमारा डक्स अंडे नहीं दे रहे, तो पता नहीं क्या मसला हुआ है। इसको खोल देते हैं। आ जाओ। हमारा सभी डक्स यहाँ पर, जो मस्कुबी डक्स है ना, इनको भी रिलीज करते हैं। एक तो नीचे उतरा, ये देखिए, ये फीमेल है और ऊपर एक फीमेल है, वो मेल है। तो तुम लोग भी आ जाओ। आ जाओ। ये आ रहे, एक तो उतर चुका है। आ जाओ। ये आ रहे, देखिए फीमेल। मेल अभी तक वहाँ पर है, पता नहीं क्यों। आ जाओ। क्या हुआ भाई, नीचे उतरो। आ जाओ। आ जाओ। जंप करो। हाँ। ये देखिए उतर चुका है। आ जाओ। आ गया। अब भी इनको दोस्तों फीड देना है। और दोस्तों हमारा सेटअप का काम थोड़ा डिले हुआ है। एक्चुअली अभी मेरे यहाँ ना ईंट बिल्कुल नहीं मिल रहे। सीमेंट वगैरह, रॉड, सैंड, स्टोन सब कुछ हम खरीदा, जस्ट गैस ईंट की कमी है। एक दो दिन के अंदर ही दोस्तों सेटअप का काम शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों को सेटअप का अपडेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आप लोगों को रोज सेटअप का अपडेट्स देता रहूंगा। अभी दोस्तों मैं आया हूँ फार्म के अंदर और टर्की को निकालना होगा। यहाँ पर जो रैबिट है ना, इससे हमारा टर्की काफी डरते हैं, इस वजह से ये लोग बाहर नहीं निकलते। ये आ गया मेल और फीमेल भी आ रही है। आ जाओ। आ गया है। अभी दोस्तों ये लोग बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इनको फीड खाना है। मैं रोज़ यहाँ पर फीड देता हूँ, तो फीड के लिए ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए इनको थोड़ा कुछ फीड खाने के लिए देते हैं। आ जाओ। देखिए हमारा दोनों टर्की खाने के लिए आ गए हैं। और देखिए कितना मज़े से ये लोग फीड खा रहे हैं। हमारा सभी गिनी फॉल मास्टर केस के ऊपर है। ये देखिए चारों के चार मास्टर केस के ऊपर है और ये लोग अभी नीचे उतरेगा। ये देखिए उतर गया। एक्चुअली मुझसे ना काफ़ी डरते हैं दोस्तों, क्या ये बताओ आप लोगों को, पता नहीं क्यों इतना डरते हैं। तुम ये भी उतर गया। और बटर के अंडे के बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से दोस्तों इनको लेयर फीड दे रहा हूँ, बट ये लोग अंडे नहीं दे रहे। तो जिस दिन अंडे देगा उसी दिन आप लोगों को बताऊंगा, अदरवाइज मैं कभी भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और हमारा जो गिनी फॉल है दोस्तों, ये लोग बाहर निकालना चाहते हैं, तो मैं एक्चुअली डर रहा हूँ कि कहीं इनका बाहर छोड़ने से ये लोग भाग ना जाए। कबूतर का ये वाला हाउस मैं चेक करने वाला हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ पोटी है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा एक व्हाइट कबूतर ने ना हैचिंग के लिए बैठा है। क्या बात, ये देखिए ये अपने अंडे को हैचिंग कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बाल्टी के अंदर दोस्तों बजेस का थोड़ा फूड है और हमारा कबूतर ना रोज खाते हैं। चलिए गाइस, हमारा जो रैबिट्स है ना, इन सबको ग्रास वगैरह खाने के लिए देते हैं। ये देखिए हमारा जो रैबिट्स आ गए हैं। अब चलिए गिनी पिग्स को भी यहाँ पर थोड़ा कुछ देते हैं, ये आ गया खाने के लिए। और जो बजेस है ना दोस्तों, ये लोग भी ठीक ठाक है। इस कलर के जो बजेस है ना दोस्तों, वो दिखने में काफ़ी क्यूट लगते हैं। ये देखिए ये मेरा फेवरेट कलर है। जहाँ से मैं लाया था वहाँ पर दोस्तों एक ही इसी कलर का था और वही मैं ले आया। और बाकी जो कलर है ना, ये भी अच्छा है, नो डाउट, बट ये वाला कलर मेरा फेवरेट है। तो सेटअप बनने के बाद दोस्तों मैं काफ़ी सारे बजेस लाऊंगा। तो इसको लॉक करते हैं और इसके अंदर देखिए थोड़ा कुछ कंगी है, यहाँ पर वाटर भी है। एक्वेरियम का जो लाइट है ना दोस्तों, वो भी मुझे ऑन करना है। ये देखिए रात के समय मैं ऑफ करके रखता हूँ, ये ऑन हो गया लाइट। ये वाला जो लाइट है ना दोस्तों, ये भी ऑन करके देते हैं। ये हो गया ऑन। देखिए हमारा मसले भी काफ़ी खुश हो गए हैं, है ना।
इस टैंक के अंदर भी लाइट आ गया है। और गाइस यहाँ पर देखिए हमारा जो मोले फिश के फ्राइज है ना, ये लोग कितना खुश हुआ है। जब भी मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का ये एयरेशन रखता हूँ ना, तो हमारा मोले फिश के फ्राइज काफ़ी खुश होते हैं। और देखिए कितना मज़े से ये लोग तैर रहे, इनको अभी भूख लगा है तो खाना भी देना होगा। आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, मैं ना मोले फिश के फ्राइज के लिए एक 12 लीटर का बाउल ऑर्डर किया, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इन फ्राइज को उस बाउल में रखेंगे और हमारा फ्राइज काफी खुश हो जाएगा। अभी दोस्तों इस बच्चे को दूध पिलाना होगा। ये देखिए ये आवाज कर रहे, तो इसकी जो माँ है ना यहाँ पर देखिए वाटर स्पाइनर खा रहे है, तो इसको थोड़ा समय ये वाटर स्पाइनर खाने देते हैं, उसके बाद ना मैं इस बच्चे को दूध पिलाऊंगा। और बच्चे का शरीर काफी ठंड है, और देखिए यहाँ पर कितने सारे मटेरियल्स दिया, नेस्ट बनाया हमने, यहाँ पर थोड़ा कॉटन भी रखना होगा। ठीक है, तो गाइस ये देखिए मैं बच्चे के लिए थोड़ा कुछ कॉटन लाया, तो चलिए यहाँ पर डालते, नहीं तो बच्चे ठंड की वजह से ना मर जाएगा यार। हाँ इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाटर स्प्रे जो है ना वो खत्म हो चुका है, तो आप चलिए एंजल को पकड़ते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं। रुको 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 रुको, वो दूध पी रहे हैं और मैं माँ को इसी तरह रखा, क्योंकि एक हाथ से काम चलना काफ़ी मुश्किल है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही तरीके से है, कोई दिक्कत इसको नहीं हो रहा है, और हमारे जो बच्चे हैं ना वो मज़े के साथ दूध पी रहे हैं। ये देखिए है ना बहुत ही खूबसूरत बच्चे, जल्दी से पी लो जल्दी से। हाँ ये देखिए ये देखिए ये यहाँ पर क्या कर रहे भाई, अजय 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 नीचे उतरो, ये तुम्हारा जगह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चे ने दूध पी ली है, ये देखिए जो देख रहे ना ये एक्चुअली दूध है। तो चलिए इसको फिर से यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो टर्टल का वाटर है ना काफी गंदा हो चुका है, तो इसको ना साफ करना होगा। सबसे पहले टर्टल्स को यहाँ से निकालते हैं। ये देखिए तो आ गया, और ये है दोस्तों हमारा 3 टर्टल्स। और देखिए इस केस का जो गंदगी है ना मेरे हाथ में लग चुका है, तो इस वाटर को चेंज करना होगा और नया वाटर डाल के धूप में थोड़ा समय रखना होगा, इसके बाद फिर से हम यहाँ पर टर्टल को रखेंगे। तो चलिए हमारे टर्टल्स को थोड़ा समय के लिए धूप में रखते हैं, क्योंकि इनके लिए ना धूप बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि मैं इनके सेटअप पर UVA लाइट लगाया, तो फिर भी हम थोड़ा समय के लिए ना इनको रोज़ धूप में रखते हैं। दोस्तों धीरे धीरे पूल का जो वाटर है ना वो गंदा होते जा रहा है, और मुझे देख के हमारा फिश यहाँ पर आ गए हैं। इनको पता चला है कि अभी मैं इनको फीड देने वाला हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में थोड़ा कुछ फीड है, तो चलिए इनको खाने के लिए देते हैं। जो 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 ये देखिए गाइस हमारा जो फिश है ना वो खाने के लिए आ चुका है। जब मैं फिश को फीड देता हूँ ना दोस्तों, तब मेरा दिल काफ़ी खुश होते एंड मैं रिलैक्स भी फील करता हूँ। जाओ 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 खाने के लिए आ जाओ। देखिए ब्लैक शार्क है और कैटफिश भी है, ये तो बड़ा हो चुका है। अजो 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 देखिए कितने सारे फिश है यहाँ पर, और मैं बहुत ही जल्दी दोस्तों यहाँ पर ना एक बड़ा सा, एक नहीं दोस्तों काफ़ी सारा बड़ा बड़ा फिश रखूँगा यहाँ पर मैं। अजो 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 खाने के लिए आजाओ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी वाटर को सेंस किया और इनको ना थोड़ा सा मैं धूप में रखा था। ये देखिए इनके जो शरीर है सूख गए हैं, है ना। और यहाँ पर दोस्तों मुझे पानी भी रखना होगा, इनको ना यहाँ पर रखते हैं। अजो अजो ये आ गया हमारा 3 टर्टल। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहे, जब ये लोग बड़े हो जाएंगे ना दोस्तों तब देखिए मैं और भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए हमारा जो बेबी पानी है ना ये लोग बाहर आ चुका है। अरे अरे जाओ 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 अंदर जाओ, तुम भी जाओ यार। यहाँ आ गया, अजाओ 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 जाओ 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 घर पर रहो ना यार, चलो 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 चलो। हाँ गुड बॉय। अरे यार ये देखिए और एक यहाँ पर है, काफ़ी बदमाश हो चुका है ये लोग। जाओ 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 जाओ, इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों यही था आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद है तो ब्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हूँ अगले ब्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इस चैनल के साथ जुड़े रहे। बाय बाय।